मध्य प्रदेश में H3N2 वायरस की एंट्री। सर्दी खांसी बुखार के बाद भोपाल का युवक मिला संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार बैरागढ़ निवासी 25 वर्षीय युवक को पिछले 3-4 दिनों से सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत थी। उसकी जांच के लिए स्वैब एम्स भेजा गया था। कोरोना वायरस तेजी से फैलने वाले H3N2 वायरस की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। भोपाल का युवक वायरस से संक्रमित मिला है। युवक को सर्दी खांसी के साथ तेज बुखार की शिकायत थी, जिसकी गुरुवार को जांच में H3N2 वायरस की पुष्टि हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि भोपाल में H3N2 वायरस से संक्रमित मरीज मिला है, जिसकी एम्स में जांच के बाद जानकारी मिली है। मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और घर पर है, उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। मरीज को सिर्फ सर्दी जुकाम की शिकायत है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार बैरागढ़ निवासी 25 वर्षीय युवक को पिछले 3-4 दिनों से सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत थी। उसकी जांच के लिए स्वैब एम्स भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अधिकारियों के अनुसार युवक की ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है। यह है H3N2 वायरस लक्षण। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग H3N2 वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है। वायरस के लक्षण होने पर जांच कराने और वायरस के प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक कराने के लिए कहा गया है। साथ ही अधिकारियों जरूरी दवाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वायरस के लक्षण बुखार, कफ, मितली, उल्टी, गले में दर्द, शरीर में दर्द, थकान, आंतों में सूजन है। यह बरते सावधानी। H3N2 वायरस से दूसरे वायरस की तरह ही सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क लगाएं, हाथ साफ रखें, निरंतर साबुन के साथ हाथ धोएं। संक्रमण से बचने के लिए आंख और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने से बचें। भीड़ भाड़ से बचें। छींकते वक्त मुंह नाक ढके। खूब पानी पिएं। सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवा ना लें।